नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइनर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबाएं, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल का मदद शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं में से पहली सूचना है, 24 जुलाई से पहले गठित हो सकता है नया आयोग। उच्च शिक्षा विभाग से लेकर माध्यमिक, बेसिक, प्रावधिक और व्यावसायिक जो शिक्षक हैं उनकी भर्तियां करेगा। 12 सदस्यीय समिति ने संशोधित मसौदे को दिया था अंतिम रूप, उसके बाद प्रक्रिया तेज हुई, साथ ही साथ हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी इस पर प्रभाव पड़ा। तो ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अभ्यर्थी इसके बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। दिया है अधिनियम में संशोधन और नए प्रावधान शामिल करते हुए नए आयोग के विधेयक को नया ड्राफ्ट हिंदी व अंग्रेजी में तैयार किया गया है। नए ड्राफ्ट और वर्तमान अधिनियम का तुलनात्मक विवरण भी तैयार किया गया है। इस बीच नए आयोग से लेकर के हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए 24 जुलाई तक इसके शुरू होने या उसके बन जाने की बात कही जा रही है। वहीं जूनियर हाई स्कूल के प्राइमरी में भर्ती पर रोक, स्कूल प्रबंधकों की मनमानी पर प्रशासनों की सख्ती, एडेड जूनियर हाई स्कूल से पहले जो है इस पर रोक। ध्यान दीजिएगा, प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल से संबंध अनुदानित प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हेतु जो है प्रबंध तंत्र अपने से ही ये वैकेंसी कंप्लीट करा ले रहा है। हालांकि जो वैकेंसी इनकी चल रही थी वो भी आज तक पूरी नहीं हो पाई, जिसका एक महत्वपूर्ण कारण जितनी वैकेंसियाँ होती हैं उससे भी कम दिखाया जाता है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं भी आती हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा UPTET, बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के साथ साथ UPTET की भी जिम्मेदारी नए आयोग पर। CCTV कैमरों की निगरानी में होगी BEd प्रवेश परीक्षा। 15 जून को सभी जिलों में होगी परीक्षा। 4,73,000 अभ्यर्थी इसमें होंगे शामिल। भर्ती आए या ना आए, लगातार अभ्यर्थी BEd कर रहे हैं और BEd और BTC की वैकेंसियां एकदम रुकी सी पड़ी हुई हैं। इनका क्या होना है भविष्य में, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। वहीं दिया है, 10 साल में बता सका आयोग कि किस फांट में होगी परीक्षा। अपने 10 वर्षों तक नई भर्ती के इंतजार में हो चुके हैं ओवरएज। APS के 300 से अधिक पदों का दिया पर भर्ती का आता पता नहीं, तो यह दुखद है। आयोग इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। 10 वर्ष हो गए और कितने अभ्यर्थी जो है वो ओवर एज हो गए। सचिवालय व अन्य विभागों में अपर निजी सचिव भर्ती के लिए 10 वर्षों से कोई विज्ञापन नहीं आया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञापन जारी होता है। वहीं आज से जिलों में कैंप लगा करके अंक पत्रों को सुधारते हो तो यूपी बोर्ड प्रक्रिया शुरू करेगा। पहली बार यूपी बोर्ड ने कुल 61,000 से अधिक गड़बड़ी के मामले में लंबित हैं और उन्हीं को ये दूर करने की व्यवस्था यूपी बोर्ड ने बनाई है। तो ये बहुत अच्छी सूचना है सारे अभ्यर्थियों के लिए, जो कि गलतियां हुई हैं वो सुधरवा सकते हैं। कैंप आज से लगना शुरू है। अंतर्जातीय तबादले को लेकर के यह सूचना है। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।